गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फ्लेक्सिबल बजट का टॉपिक ईवाई बीकॉम सेमेस्टर 5th, सब्जेक्ट कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग। त्याचप्रमाणे एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट साठी सुद्धा कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग मध्ये आहे। त्याचप्रमाणे एमकॉम फर्स्ट मॅनेजमेंट अकाउंट या सब्जेक्ट मध्ये देखील हा टॉपिक आहे। तर असा तीन सब्जेक्ट मध्ये असणारा हा टॉपिक म्हणजे फ्लेक्सिबल बजेट, त्याचा आपण आज तिसरा प्रॉब्लेम पाहणार आहे। प्रॉब्लेम आधी समजावून घ्या। यश लिमिटेड कंपनी वर्किंग ऍट 60% कॅपॅसिटी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड यू फ्रॉम विच प्रिपेअर फ्लेक्सिबल बजेट। 60% कॅपॅसिटी साठीची माहिती आपल्याला दिलेली आहे। गिवन इन्फॉर्मेशन इज फॉर 60% कॅपॅसिटी। 60% कॅपॅसिटी के लिए इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। पर्टिकुलर वेरिएबल ओवरहेड्स, अंडर वेरिएबल ओवरहेड्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस अँड डायरेक्ट एक्सपेन्सेस। वेरिएबल ओव्हरहेडच्या अंडर डायरेक्ट मटेरियल आहे 20,000, डायरेक्ट वेजेस आहे 12,000 आणि डायरेक्ट एक्सपेन्सेस आहेत 5,000। देन फिक्स ओव्हरहेड, फिक्स ओव्हरहेडच्या अंडर डिप्रिसिएशन आहे 20,000, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड आहे 60,000 अँड सेमी वेरिएबल ओव्हरहेड, सेमी वेरिएबल ओव्हरहेडच्या अंडर दोन आयटम आहेत। सेलिंग ओव्हरहेड ज्यामध्ये 10% फिक्स आहे, याचा अर्थ 90% व्हेरिएबल, ते आहे 12,000 आणि डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड जे 20% फिक्स आहे, याचा अर्थ 80% व्हेरिएबल आहे, ते आहे 6,000। प्रिपेअर अ फ्लेक्सिबल बजेट फॉर 80% अँड 100% कॅपॅसिटी इन द बुक्स ऑफ यश लिमिटेड। आपल्याला फ्लेक्सिबल बजेट तयार करायचे 80% आणि 100% कॅपॅसिटीसाठी कंपनीच्या पुस्तकामध्ये। हमें 80% एंड 100% कैपेसिटी के लिए फ्लेक्सिबल बजट तैयार करना है। गिवन इंफॉर्मेशन जो है वो 60% कैपेसिटी के लिए दी गई है। उसमें तीन ओवरहेड्स है। फर्स्ट है वेरिएबल ओवरहेड, जिसके अंडर है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन सेकंड वन है फिक्स ओवरहेड, उसके अंडर है डिप्रिसिएशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एंड थर्ड वन है सेमी वेरिएबल ओवरहेड, उसके अंडर है सेलिंग ओवरहेड जो 10% फिक्स है, मीन्स 90% वेरिएबल है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो 20% फिक्स है, मीन्स 80% वेरिएबल है। तो हम सॉल्यूशन तैयार करने के लिए फर्स्ट स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हमें तीन कॉलम चाहिए, 60%, 80% एंड 100%। और सीक्वेंस जो है जो प्रॉब्लम में दिया है वैसे लिया तो भी चलेगा। वेरिएबल ओवरहेड फर्स्ट लेंगे, देन फिक्स ओवरहेड, देन सेमी वेरिएबल ओवरहेड। आपण अगोदर स्ट्रक्चर तयार करून घेणार आहोत, त्यासाठी तीन कॉलम करणार आहोत, 60%, 80% आणि 100%। त्यानंतर वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड आणि सेमी व्हेरिएबल ओवरहेड, याप्रमाणे जसं प्रॉब्लेम मध्ये सिक्वेन्स दिलेला आहे तशाच सिक्वेन्सने आपण सोल्यूशन तयार करणार आहोत। मग सोल्यूशन घ्या, सोल्यूशन देखते हैं। इन द बुक्स ऑफ यश लिमिटेड फ्लेक्सिबल बजेट राइट हैंड साइड ला उजव्या हाताला लिहा कैपेसिटी 60%। कॉलम पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के अंडर कैपेसिटी 60%, 80% एंड 100%। पर्टिकुलर तो कॉलम करा, त्याच्या अंडर कैपेसिटी शब्द लिहा 60%, 80% आणि 100%। फर्स्ट आपण घेणार आहोत वेरिएबल ओवरहेड। पहले हम लेंगे वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड के अंडर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेरिएबल ओवरहेड के अंडर घ्या डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस आणि डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रॉब्लेम मध्ये जे दिलेले आहेत त्या अमाउंट आपण घेणार आहोत। प्रॉब्लेम में जो अमाउंट दी गई है वो अमाउंट हम लेंगे। प्रॉब्लेम में डायरेक्ट मटेरियल है 20,000, डायरेक्ट वेजेस है 12,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेन्सेस है 5,000। प्रॉब्लेम मध्ये डायरेक्ट मटेरियल 20,000 आहे, डायरेक्ट वेजेस 12,000 आहेत आणि डायरेक्ट एक्सपेन्सेस 5,000 आहेत 60% कॅपॅसिटी साठी। म्हणून 60% कॅपॅसिटीच्या कॉलम मध्ये घ्या। सो 60% कॅपॅसिटी की कॉलम में लीजिए 24,000 डायरेक्ट मटेरियल, सॉरी 20,000 है डायरेक्ट मटेरियल, करेक्शन है।
डायरेक्ट मटेरियल 60% कॅपॅसिटीच्या कॉलम मध्ये घ्या 24,000, डायरेक्ट वेजेस 60% कॅपॅसिटीच्या कॉलम मध्ये घ्या 12,000, आणि डायरेक्ट एक्सपेन्सेस 60% कॅपॅसिटीच्या कॉलम मध्ये घ्या 6,000. हे प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला दिलेले आहे. डायरेक्ट मटेरियल जो प्रॉब्लेम में दिया गया था वो 60% कैपेसिटी के कॉलम में लिया है 24,000, डायरेक्ट वेजेस है 12,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6,000. देन हम कैलकुलेट करेंगे 80% एंड 100% कैपेसिटी के लिए. वेरिएबल ओवरहेड जो होते हैं वो टोटल अमाउंट में वेरिएबल होते हैं लेकिन पर यूनिट में कॉन्स्टेंट होते हैं, यानी फिक्स होते हैं. सो 24,000 को हम 60 से डिवाइड करेंगे और 80 से मल्टीप्लाई करेंगे. फिर से 24,000 को 60 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. वेरिएबल ओवरहेड जे असतात ते टोटल मध्ये वेरिएबल असतात परंतु पर युनिट मध्ये फिक्स असतात. म्हणून आपण काय करणार आहोत, तर 24,000 ला 60 ने भाग देणार आहोत आणि 80 ने गुणणार आहे. पुन्हा 24,000 ला 60 ने भाग देणार आणि 100 ने गुणणार. याप्रमाणे आपण 80% कॅपॅसिटी आणि 100% कॅपॅसिटीचं कॅल्क्युलेशन करणार आहोत. म्हणून डायरेक्ट मटेरियल जे 24,000 आहे त्याला 60 ने भाग दिला डिवाइडेड बाय 60 × 80 गुणिले 80 केले, कॅल्क्युलेट करून अमाउंट आलेली आहे 32,000. आफ्टर कॅल्क्युलेशन अमाउंट आई है 32,000. देन 24,000 को 60 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, 60 ने भागला आणि 100 ने गुणलं, अमाउंट आलेली आहे 40,000. अमाउंट आई है 40,000. सेम डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए भी वही प्रोसिजर करना है. 60% से डिवाइड करना, 80 से मल्टीप्लाई करना, 60 से डिवाइड करना और 100 से मल्टीप्लाई करना. डायरेक्ट वेजेस आणि डायरेक्ट एक्सपेन्सेसला सेम प्रोसिजर करायचं आहे. 60 ने भाग द्यायचा आहे, 80 ने गुणायचं आहे आणि 100 ने गुणायचं. त्याप्रमाणे आपण 12,000 ला 60 ने भाग दिला, 80 ने गुणलं, 12,000 को 60 से डिवाइड किया और 80 से मल्टीप्लाई किया, अमाउंट आई है 16,000. फिर से 12,000 को 60 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 60 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, अमाउंट आई है 20,000. डायरेक्ट एक्सपेन्सेस 6,000 आहेत, 6,000 आहेत. 60 ने डिवाइड केलं आणि 80 ने मल्टीप्लाय केलं, अमाउंट आली 8,000. पुन्हा 60 ने डिवाइड केलं आणि 100 ने मल्टीप्लाय केलं, अमाउंट आली 10,000. आता याची बेरीज करायची. अभी उसकी टोटल करेंगे. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेन्सेस 60% कॅपॅसिटी के कॉलम में टोटल आई है 42,000. 60% कैपेसिटी के कॉलम में टोटल आ लिया है 42,000. 80% के कॉलम में 56,000 एंड 100% के कॉलम में 70,000. देन फिक्स ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड के अंडर दो ओवरहेड है, डिप्रिसिएशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड. फिक्स ओवरहेड के अंडर दो ओवरहेड है, डिप्रिसिएशन 20,000 एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 60,000. फिक्स ओवरहेड नेहमी फिक्स असतात, टोटल मध्ये फिक्स असतात. त्यामुळे फिक्स ओवरहेड आपण ऍज इट इज घेणार आहोत, जसे आहेत तसेच सर्व कॉलमला 60%, 80% आणि 100%ला. मग फिक्स ओवरहेडच्या अंडर घ्या डिप्रिसिएशन 60%ला 20,000, 80% ला 20,000 आणि 100% ला पण 20,000. नेक्स्ट ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओवरहेड, हर एक कॉलम में उतनी ही अमाउंट लेनी है क्योंकि फिक्स ओवरहेड है. ये सभी कैपेसिटी में फिक्स होते हैं, मतलब चेंज नहीं होते, कांस्टेंट होते हैं. सो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 60% कैपेसिटी के कॉलम में 60,000, 80% के कैपेसिटी के कॉलम में भी 60,000 एंड 100% कैपेसिटी के कॉलम में भी 60,000. एडमिन फिक्स ओवरहेड की टोटल आई है 80,000, 80,000 एंड 80,000. देन सेमी वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड मीन्स सम अमाउंट इज फिक्स एंड सम वेरिएबल. तो प्रॉब्लम में देखिए सेमी वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं. सेमी वेरिएबल ओवरहेड जो है वो सेलिंग एंड ओवर सेलिंग ओवरहेड है 10% फिक्स है, मतलब 90% वेरिएबल है. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 20% फिक्स है, मतलब 80% वेरिएबल है. तो अभी सेमी वेरिएबल ओवरहेड लेंगे. सेमी ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड के अंदर सेलिंग ओवरहेड 10% फिक्स, 90% वेरिएबल. टोटल अमाउंट है 12,000. 12,000 के 10% मतलब 1,200 एंड 90% मतलब 10,800. 1,000 12,000 10% 1,200 आणि 90% 10,800 आपण अगोदर लिहून घेतले. आता जे फिक्स असतात ते सर्व कॉलमला सेम येणार, फिक्स येणार.
जो फिक्स ओवरहेड है वो सभी कॉलम में सेम आएंगे क्योंकि वो फिक्स है। तो 80% कैपेसिटी में 1200, 100% कैपेसिटी कॉलम में भी 1200। वेरिएबल ओवरहेड जो होते हैं वो 60 से डिवाइड करने हैं 80 से मल्टीप्लाई, फिर 60 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई, इस तरह से कैलकुलेशन करके लेंगे। वेरिएबल ओवरहेड जो है ते अपन 60 ने भाग देणार, 80 ने गुणणार, पुन्हा 60 ने भाग देणार, 100 ने गुणणार, याप्रमाणे कॅल्क्युलेशन करणार आहोत। मग व्हेरिएबल ओव्हरहेड घ्या, 10,800 ला 60 ने भाग द्या, 10,800 को 60 से डिवाइड करेंगे और 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट आई है 14,400, अमाउंट आलेली आहे 14,400। त्यानंतर 10,800 ला 60 ने डिवाइड केलं, 100 ने मल्टीप्लाय केलं, अमाउंट आलेली आहे 18,000, अमाउंट आई है 18,000। सेम डिस्ट्रीब्यूशन ओव्हरहेड के लिए भी करना है, 20% फिक्स है, 80% वेरिएबल है, टोटल अमाउंट है 6,000, 6,000 के 20% 1,200 एंड 80% 4,800। जो फिक्स अमाउंट है वो सभी कॉलम में सेम आएगी, 1,200, 1,200 एंड 1,200। और जो वेरिएबल है उसको 60 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 60 से डिवाइड करना है, 80 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 60 से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 60 ने भाग द्यायचा, 80 ने गुणायचं, 60 ने भाग द्यायचा, 100 ने गुणायचं, याप्रमाणे कॅल्क्युलेशन करून 80% कॅपॅसिटी मध्ये आले 6,400 आणि 100% कॅपॅसिटी मध्ये आले 8,000 रुपये, 6,400 अँड 8,000। आता सेमी व्हेरिएबल ओव्हरहेड जे आहेत त्याची टोटल करा, टोटल 60% कॅपॅसिटी मध्ये आले 18,000, त्यानंतर 80% कॅपॅसिटी मध्ये आली 23,200 आणि 100% कॅपॅसिटी मध्ये आली 28,400। जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड है उसकी टोटल की है, मतलब ये जो चार अमाउंट है उनकी टोटल 18,000, ये फोर अमाउंट है उनकी टोटल 23,200 और ये फोर अमाउंट है उनकी टोटल 28,400। अभी ग्रैंड टोटल करेंगे, मतलब वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स ओवरहेड, ये सभी की टोटल। जो ये टोटल है फर्स्ट टोटल जो है वो ये टोटल ए है 42,000, 56,000, 70,000। ये उसके बाद जो फिक्स ओवरहेड की टोटल थी वो जो फिक्स ओवरहेड की टोटल थी वो 80,000, 80,000, 80,000 एंड देन सेमी वेरिएबल की जो टोटल है 18,000, 23,200 एंड 28,400। इसकी ग्रैंड टोटल करेंगे तो 60% कैपेसिटी के जो अमाउंट है उनकी टोटल आई है 1,40,000। 80% कैपेसिटी के जो अमाउंट है टोटल ए, टोटल बी एंड टोटल सी, ये तीन अमाउंट लिए है, उनकी टोटल आई है 1,53,200 एंड 100% कैपेसिटी के कॉलम की टोटल आई है 1,78,400। इस तरह से हमारा फ्लेक्सिबल बजट का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर से प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन देखिए, ये प्रॉब्लम है, और ये सॉल्यूशन है। पहले हमने वेरिएबल ओवरहेड लिए, उनकी टोटल की टोटल ए, देन फिक्स ओवरहेड लिए, उनकी टोटल की टोटल बी, देन सेमी वेरिएबल ओवरहेड लिए, उनकी टोटल की टोटल सी, और सबसे लास्ट में ग्रैंड टोटल, मतलब तो ए बी एंड सी, ये तीन अमाउंट जो है उनकी ग्रैंड टोटल की। तो यहाँ इस तरह से हमारा फ्लेक्सिबल बजट का प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। थैंक यू, इथे आपला फ्लेक्सिबल बजट का प्रॉब्लम कंप्लीट झालेला आहे। थैंक यू।